तो बिल्कुल आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में फैक्टर्स के बारे में किसके बारे में पढ़ने वाला है फैक्टर्स के बारे में अब देखो गुणनखंड गुणनखंड क्या होता है पहले बात करते हैं जैसे कि ये हमारे एक समीकरण है यानी ये गुणनखंड है गुणनखंड कैसे यानी खंडों के रूप में बटा हुआ है खंडों के रूप में है ना ऐसे तो इसको क्या बोलते हैं हम गुणनखंड बोलते हैं ना यानी खंडो के रूप में अलग अलग बटा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे गुणनखंड है यानी इसका इससे हम गुणा करेंगे और जब हम गुणा करते हैं एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आ गया फिर x को दो एक्स से किया तो माइनस का दो एक्स और तीन को x से किया तो प्लस का तीन एक्स जब माइनस के दो एक्स में से प्लस के तीन एक्स जाएंगे तो बचेगा x और फिर तीन को दो से गुणा किया तो माइनस का छह तो ये जो आंसर हमें निकला है जो फल निकला है उसको क्या बोलेंगे हम गुणन फल बोलेंगे समझ में आ गया तो गुणन क्या होता है गुणनखंड गुणनखंड क्या कह सकते हैं देखिएगा किसी संख्या में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या का क्या कहलाती है गुणनखंड कहलाती है यानी किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है कि किसी संख्या में जैसे इस पद में जिस जिस का भाग जाएगा तो बिल्कुल इस पद के अंदर एक्स माइनस दो का भाग जाएगा और एक्स प्लस तीन का भाग जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे गुणनखंड क्या होते हैं कि मतलब उसके अंदर संख्या का भाग चला जाता है जैसे यहाँ पर देखो मैं गुणनखंड को अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ जैसे बारह है देखो बारह में एक का भाग जा रहा है दो का भाग जा रहा है तीन का जा रहा है चार का जा रहा है पांच का जा रहा है नहीं सर एक का जा रहा है दो का जा रहा है तीन का जा रहा है चार का जा रहा है छ का जा रहा है तो ये बारह के गुणन खंड क्या हो जाएंगे बारह के गुण हो जाएंगे एक दो तीन चार छह तो ये क्या है इसके गुणनखंड आया समझ में चलेगा ऐसे ही पंद्रह तो पंद्रह के गुण क्या हो जाएंगे एक तीन पांच पंद्रह इन सभी का भाग पंद्रह के अंदर जा रहा है तो ये सारे क्या है पंद्रह के गुणन खंड तो इसी प्रकार ये भी क्या है आपकी गुणनखंड और जो इसका आंसर निकला है इसको बोलते हैं गुणन फल समझ में आ रहा है चलेगा अब बात करते हैं हम अबाजी गुणनखंड की है ना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना अबाजी गुणनखंड तो अबाज्य गुणनखंड क्या होता है प्राइम फैक्टर्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो सभी जगह आपने देखा होगा अबाजी गुणनखंड अबाज्य यानी जिसके अंदर अभाज्य हो यानी जिसके अंदर उसी संख्या का भाग जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं अबाज्य है ना कि जो किसी से बाजी नहीं एक तो होती है बाजी संख्या एक होती है अबाजी संख्या जैसे बाजी संख्या क्या होती है मैं लिख दू सब आठ है तो आठ क्या है आठ के अंदर मैं आगे जैसे दो है तो दो क्या है बाज्य संख्या दो, दो में जैसे आठ है आठ बाजी संख्या है आठ के अंदर दो का भाग जा रहा है और मैं अगर लिख दू अबाजी संख्या तो अबाजी क्या हो जाएगी तीन अबाजी संख्या है पांच अब संख्या है सात अब संख्या है तेरह अब संख्या तो जिसके अंदर केवल खुद ही का भाग जाएगा एक और खुद का स्वयं का भाग जाता है उसको अबाजी संख्या बोलते हैं इसी प्रकार क्या है यहाँ पर अबाजी गुणनखंड गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना जिसके अंदर उसी का भाग जाए है ना आगे समझ में बिल्कुल आपको अभाज्य संख्या हो बिल्कुल है ना अभाज्य संख्या हो और उन्हीं का गुणनखंड क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है जैसे बारह बारह को मैंने तोड़ दिया दो इंटू दो इंटू तीन तो देखो दो के अंदर दो का भाग जाता है तीन के अंदर तीन का दो के अंदर दो का जाएगा तीन के अंदर तीन का जाएगा तो ये सारी संख्या क्या अभाज्य संख्या में तोड़ना किसी भी पद को किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है समझ में आ गया ना जैसे देखो पंद्रह है तो पंद्रह को तोड़ दिया तीन इंटू पांच में तो तीन भी अभाज्य संख्या और पांच भी अभाज्य संख्या है तो समझ में आ गया आपको क्या होती है अभाज्य संख्या चलेगा जैसे बत्तीस है देखो इसको अभाज्य संख्या ज्ञात करने का तरीका भी बता देता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने बत्तीस लिख दिया यहाँ पे मैं अगर चौसठ लिख दू तो अब इसके अंदर छोटी से छोटी संख्या का भाग दो अभाज्य संख्या का भाग देना छोटी से छोटी दो का भाग दिया, तो दिया कितनी बार गए तीन और दो, दो, दो बार गए का भाग दिया कितने और एक बार तो ये सारी क्या अभाज्य संख्या है अब इनको गुणा करने पर हमारे अभाज्य गुणाकरण क्या आ जाएंगे दो इंटू दो वापस इनको गुणा करोगे तो आपके जोर आएगा तो ये क्या सारे अभाज्य संख्या है चलेगा आपको समझ में तो आ गया होगा चलिएगा चलते हैं अगले पेज की ओर बिल्कुल स्वागत स्वागत है सभी का लो भाई अब आगे भाई कि बीजी विंजक को और सार्वनिष्ठ गुण पर देखो सार्वनिष्ठ होता है यानी सभी का सार्वनिष्ठ सभी का आ, मतलब उभयनिष्ठ बोल सकते हैं या सार्वनिष्ठ बोल सकते हैं ना तो चलेगा हम पेन ले आते हैं चलेगा पेन आ चुका है हमारा ये लो सा अच्छा सा पेन ले लेते हैं ये लो अच्छा सा पेन अब बात करने वाले हैं बीज विंजक के गुण

ये ऐसा ही है ठीक है इस, इसी प्रकार थोड़ा इसने ये नहीं, इसने चर को पहले रख दिया और फिर को पीछे रख दिया बस वही चीज है अब ये देखो ये एग्जाम्पल भी ले लो आपके सामने एग्जाम्पल है अब इसमें उबर निश कौन साक्स में भी आ रहा है एक्स में भी आ रहा है एक्स इस्के में भी आ रहा है तो मैंने एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी समझ में आ गया बिल्कुल चलेगा अगर आपको मजा आ रहा है ना तो पढ़ने में बिल्कुल आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चलेगा आगे चलते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ये देखो ए ए बी बी माइनस माइनस प्लस ठीक है तो देखो इन दोनों में देखो क्या आ ओबे ए ए को बार तो बी और यहाँ पर ए का बार एक दिया एक बार यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी और प्लस माइनस माइनस ये माइनस वन ये हो गया देखो अब देखो लो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी माइनस वन तो पीछे क्या बचा ए माइनस वन ये आ गया तो इस प्रकार आप सारणिष्ट गुणनखंड भी निकाल सकते हैं और बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड भी निकाल सकते हैं समझ में आ गया आपको चलेगा चलते हैं हम आगे की और अगली स्लाइड ये रही आपकी अब तो क्वेश्चन आ गए अब तो आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेंगे कैसे भी करो चाहे क्वेश्चन को क्वेश्चन तो आपको ही करना है चलेगा अब देखो क्वेश्चन से आपको आराम से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार क्या हो रहे हैं तो बिल्कुल हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो ये ले लीजिए पेन ले लिया मैंने देखिये ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए के कॉमन जो जो आ रहा है उनको कॉमन रख दो और जो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं रहने दो जल्दी निकालो जल्दी से आप कॉमन निकाल दिया मुझे पूरी उम्मीद है आप कॉमन निकाल लोगे जल्दी से निकालो चलो भाई हम कॉमन निकालने की शुरुआत करते हैं देखो ये पहले हम आंसर नहीं बताएंगे पहले हम बिल्कुल बिल्कुल अभी देखते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस मैंने बी लिख दिया प्लस ए बी माइनस ए लिख दिया अब इस पद को इस पद को मैं शामिल रख देता हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी और इधर मैं क्या कर देता हूँ ये ये इधर है तो इधर माइनस का बी और माइनस का हो कोई एक्त नहीं कोई दिक्कत नहीं चलेगा ये प्लस है चूंकि ये प्लस है प्लस लिख दिया अब देखो यहाँ कॉमन क्या रहा? A, आ रहा है ए कॉमन आ रहा है क्या बच गया ए प्लस बी ये बचा यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस कॉमन आ रहा है तो पीछे अंदर क्या बचेगा जाएगा बी प्लस ए चाहे ए प्लस बी लिखो आप सब चाहे बी प्लस ए लिखो अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये पद कॉमन आ रहा है अरे कॉमन आ रहा है ना दोनों का भाग दोनों में भाग जा रहा है तो ए प्लस बी मैंने बार कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा ए A, A ए पद कहाँ पर है ए प्लस वन ये सेकेंड ऑप्शन राइट है आपके करेक्ट आंसर है ना करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन तो इस प्रकार आप बीजे व्यंजक के गुणनखंड निकाल सकते हैं समझ में आ गया चलेगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क् वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के गुणनखंड है इसका निकालो भाई गुणनखंड क्या होगा आज ये प्रश्नवाली आपके कंप्लीट है कल हम दूसरी प्रश्नवली लेंगे भाई चलेगा जल्दी चलीग बताओ सारी सर्व समीका आपको पढ़ा रखी है ऐसे नहीं है कि बीजे सर्व समीका मैंने नहीं पढ़ा रखी है सारी पढ़ा रखी है बस चलो भाई अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं पहले क्या देखिए आप दिमाग लगा लिया करो कि सब ऑप्शन में एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई आ रहा है यहाँ पर देखो इस प्रकार आ रहा तो अब आपको करना क्या है कि जो पद सम्मान दिख रहे हो उसको पहले पास रख दो फिर आपके आसानी रहेगी आंसर निकालना चलेगा निकालते हैं कि कैसे क्या हम इसको निकाल सकते हैं तो देखिएगा शुरू करते हैं पहले हम लेते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और दूसरी जगह देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम इस पद में से और इस पद में से कॉमन लेते हैं पहले कॉमन लिया मैंने एक्स स्क्वायर तो अंदर क्या बचेगा ओनली फॉर एक्स और माइनस बचेगा y वाई कोई दिक्कत यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लिया माइनस का मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लू तो क्या बचेगा एक्स प्लस माइनस माइनस का क्या बचेगा वाई बचेगा चलो अब देखो दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है और ऐसा एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है अंदर क्या बचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब देखो ये पद कहाँ पर है ये है क्या कहीं पर x माइनस का वाई ये रहा अब कैसे करोगे भाई कि पर तो पद है ऊपर स्क्वायर है देखो अरे भाई साहब ये क्या है सर समीका आ ना आपके मैंने आपको एक सर समीका बताई थी कि बराबर क्या होता है एक बार आप माइनस में लिख दो एक बार आप प्लस में लिख दो तो मेरे यही तो करना है तो साहब देखो एक्स माइनस वाई तो है ही तो देखो एक्स माइनस वाई लिख दिया और एक्स प्लस वाई लिख दिया अरे ये सर समीका है देखो एक्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई दो हो गए तो x माइनस वाई का होल इसका हो जाएगा इधर हो जाएगा x प्लस वाई अब बताओ तो आ रहा है नहीं आ रहा है ऑप्शन फोर आ रहा है ना तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन फोर होगा ना बिल्कुल चलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एक एक चीज को आराम से पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आना चाहिए चलिएगा अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने जल्दी से बता दीजिएगा करेक्ट आंसर इसका भी आपको गुणनखंड निकालना है इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ गुणनखंड निकालने वाला अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए चलो भाई जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो एक्स क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस ए माइनस वन क्या बात है भाई मजा आ रहा है तो बिल्कुल शेयर कर दो भाई है बिल्कुल जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा अरे इसका एक दो तीन चार ऑप्शन है जल्दी निकालो कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है चलो भी. चलो भाई जाना जाना कॉमन आ रहा है वहां वहां निकाल दो देखो मैं इस पद को और इस पद को दोनों को अलग अलग कर देता हूँ ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स है इधर क्या है प्लस का एक्स प्लस का ए माइनस वन है ठीक है ना अब हमें क्या है कि दो पद सम्मान बनाना है दो पद सम्मान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई देखो ये ए है यहाँ पर भी ये ए है ठीक है इनको तो कोई बात नहीं एक साइड आप रख दो ठीक है अब इस पद को ले आता हूं मैं यहाँ ठीक है और इस पद को ले आता हूँ यहाँ x ठीक है चलिएगा कैसे करते हैं x क्यूब माइनस का मैं लिख देता हूँ ए एक्स और प्लस का लिख देता हूँ x और इसको में बंद कर देता हूँ अब माइनस का एक्स दिया मैंने और प्लस का ए तो है ही और माइनस का ए कोई दिक्कत कोई दिक्कत है क्या मैंने क्या किया एक्स क्यूब है इसको मैं आगे ले आया और इसको इसको मैं इधर भेज दिया मैंने ठीक है और इस एक्स को यहाँ पर रख दिया अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है इस पूरे पद में हमें कुल मिला के कॉमन कॉमन लाना था तो ये X आ गया अंदर क्या माइनस ए एक्स और प्लस का एक अब बन जाएगा ना यहाँ पर देखो अब माइनस कॉमन लो तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये एक्स था ना एक्स तो बाहर इसको काट दो तो एक्स स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक अब देखो इन दोनों में पद कौन सा कॉमन आ रहा है ये कॉमन आ रहा है लगाओ बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ये लो माइनस का ए और का और और प्लस कॉमन आ गया अंदर क्या बचा बचा एक एक तो बचा और पर एक। तो पर देखो ये पद कहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए एक प्लस वन और एक्स माइनस वन ये ऑप्शन पहला ही आपके राइट है ठीक है ऐसे निकालना है आपको गुणनखंड समझ में आ रहा है चलेगा अगला क्वेश्चन है जल्दी से करो आप ये क्वेश्चन फटाफट करो क्योंकि आज ये कंप्लीट हो जाएगी प्रश्न वाले आपके बिना किसी दिक्कत के चलो भाई जल्दी बता दो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका चलो भाई जल्दी लो देखो भाई चलो करते हैं पहले हम जिसकी शुरुआत होती है उसको कर लेते हैं पी यहां पर भी पी यहाँ पर भी पी यहां पर भी पी यहां पर भी P P P को अलग रख दो लोग पीपी को पी प्लस का पी क्यू प्लस का आर पी प्लस का पी क्यू आर कोई दिक्कत और बाकी वाले को अलग रख दो चलो मैं बाकी वाले को भी अलग रख देता हूँ प्लस वन प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर और प्लस का क्या बचा कुछ नहीं बचा चलो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया है? पूरे के पूरे के अंदर कॉमन आ गया है? पी कॉमन आ गया क्या गया तो क्या बचा वन प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पर भी क्या बच जाएगा पी तो क्यू अब यहाँ पर भी क्या बचा देखो ये के ये पद बच रहा है तो प्लस का एक कॉमन ले लू यहाँ पर क्या बचेगा जाएगा वन प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ये पूरा पद कॉमन आ रहा है ले लो इसको बाहर ये लो भी वन प्लस क्यू प्लस और आगे क्या आ जाएगा आपके पी प्लस एक देखो ये ऑप्शन थर्ड तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा ठीक है आराम से समझना p वाले पद को मैंने एक साइड ले लिया बाकी वाले पद को अलग ले लिया और फिर मैंने कॉमन निकाल दिया कॉमन निकालने के बाद आंसर आ गया तो इस प्रकार आपको गुणनखंड करना है चलो भाई अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन करो फटाफट पड़ा पड़ा कर लो क्वेश्चन, चलो भाई जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या है उनपचास स्क्वयर माइनस बयालीस ए बी प्लस नौ बी का गुणनखंड है जल्दी से गुणनखंड निकालो कैसे क्या होगा आपको गुणनखंड निकालना जल्दी देखो जल्दी से बताओ अब मैं आपको बता देता हूँ चलो देखो देखो ये बी क्या है तो देखो बी किसका तीन बी का होली स्कोर अब दिक्कत क्या है यहाँ पर क्या होता है आपको एक फॉर्मूला याद होगा ए माइनस बी का होल स्कोर क्या होता है ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस का बी स्कोय तो यहाँ पर ए स्क्र आ गया अब माइनस टू इंटू ए बी क्या है यहाँ पर ए सात है और बी क्या है तीन है तो सात इक्कीस इक्कीस दोनों बयालीस ए बी कोई दिक्कत सात ए का होली और प्लस थ्री बी का होली स्क्वा पूरा फॉर्मूला किसका बन रहा है सात ए माइनस थ्री बी का होली देखो कहीं पर है क्या सात ए माइनस थ्री बी का होली ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है इसका बस थोड़ा दिमाग लगाना है बाकी सारे क्वेश्चन इजी है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन ये रहा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन अपॉइंट फोर बी के गुणनखंड है अब निकालो भाई इसका बड़ा ही टेढ़ा खीर आ गई यहाँ पर तो ठीक खीर कैसी भी हो चाहे टेडी हो या अब आपको सेल करना है जल्दी बताए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका अरे भाई सीधी सी बात है ये ए है तो इसको देखो ए के पास क्या है कुछ नहीं एक मान लू तो मैं एक, एक काल स्क्वायर कर दू है। है? अब ये क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला क्या होता है टू ए बी होता है तो टू रख दिया ए की जगह एक है और बी की जगह कितना है वन पॉइंट टू जब काटोगे तो वापस ये आएगा तो अब ये पूरा किसकी ये किसका बन रहा है आपके ए का मान क्या है एक तो मैं ए लिख देता हूँ प्लस बी का मान क्या है, 1 2 B का देखो पर है क्या है ये 1 1 B, 2 का A, तो ऐसे निकालना है अरे भाई यही है ना मैंने बताया था ना आपको आपको सर्वसमी का लगाने यहाँ पर ए प्लस बी का होली स्क्वा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी है ना चाहे आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी ऐसे लिख सकते हो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी चलो भाई एक क्यूब माइनस सोलह बी की पावर फोर के ए की पावर फोर माइनस सोलह बी की पावर फोर के गुणनखंड निकालो फटाफट आसान सा क्वेश्चन है ये तो हो जाना चाहिए थोड़ा दिमाग लगो अरे मैं बेलो चलो बलो बिल्कुल बिल्कुल जिनके आंसर आ रहा है बिल्कुल सभी का स्वागत है और ऐसे ही आप तैयारी करते रहे तो बेहतर परिणाम होगा आपका बिल्कुल मुझे उम्मीद है, है। चलेगा मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ चार बी का ये सोलह क्यूब है ना तो मैं फोर बी का होली स्क्वायर का होली स्क्वायर कर दूँ तो चार सौ सोलह हो जाएंगे वापस है ना अरे इसको मैंने लिख दिया कि पावर फोर है तो b स्क्वायर है अंदर और तो मैं इस टू टोटल को मैं कर देता हूँ ये चार का होल स्क्वायर है ना तो मैं क्या करता हूं 4b a का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4b 4b का स्क्वायर का होल स्क्वायर अब आ, आ जाएगा ना चलो अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ये होता है चलो लगाओ इसको एक बार मैंने माइनस में लिख दिया फोर बी स्क्वायर ठीक है और एक बार प्लस में लिख दो ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो कहाँ पर है ए स्क्वायर फोर बी स्क्वायर और ये वापस बन गया तो वापस इसको आप बना सकते हो ये वापस हो जाए कैसे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो देखो इसका अर्थ क्या हो जाएगा एक बार प्लस में लिख दो तो ए टू भी हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए माइनस टू भी ठीक है और ये वाला पद तो है ही आपके तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर ठीक है सॉरी सॉरी ये इसका ऐसा नहीं होगा ऑप्शन थ्री आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखो ए स्क्वा प्लस फोर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्र करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ये नहीं होगा है ना चलिए चलो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपके ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का पावर ये दो है ना के गुणनखंड है जल्दी से निकालो इसका गुणनखंड चलो ये क्वेश्चन आपको करना है मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ ऑप्शन एक, एक इसका करेक्ट आंसर आएगा चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फटाफट निकालो आंसर चलो ये भी आप ही को करना है मैं आपको बता चुका हूँ इसका भी आपको आंसर बता देता हूं ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर आएगा इसका ठीक है और ये जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा भाई इसका ठीक है ये आपको करना ये दो क्वेश्चन अभी आपको करना है अगला क्वेश्चन चलो बता देता है आपको है ना चलेगा क्वेश्चन क्या आपके सामने अरे भाई पेन आ जाओ पेन ये रहा पेन बताओ भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह के गुणनखंड निकालो भाई फटाफट गुणनखंड निकालो इसके अरे सीधे निकाल देते हैं ए इंटू सी करो देखो गुणा करने पर आना चाहिए बारह और जोड़े घटाए तो प्लस का एक आना चाहिए तो मैं चार इंटू तीन करूँ तो कितने आ रहा है बारह और मैं चार में से तीन कटाऊ तो प्लस का एक आ रहा है तो लिख दो यहाँ पर एक्स प्लस के चार एक्स माइनस के तीन एक्स माइनस के बारह इनमें कॉमन क्या आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा था तो एक्स प्लस फोर यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है माइनस का तीन कॉमन आ रहा था तो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर क्या गया आपके कॉमन और पीछे क्या बचा एक्स माइनस तीन एक्स माइनस तीन देखो कौन सा है एक्स प्लस फोर एक्स माइनस तीन ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा आराम से इसको करो आप इसको गुणा करो कितने हो रहा है यहाँ पर पंद्रह दो तीस तो गुणा करने पर तीस आना चाहिए और जोड़े घटाए तो सात आना चाहिए बताओ जल्दी से गुणा करने पर तीस आना चाहिए और जोड़े घटाए तो आपके सात आना चाहिए अरे टू square, का दस का तीन और माइनस के बारह

तीन कॉमन आ गया ठीक है तो यहाँ पर माइनस आएगा एक्स प्लस सॉरी सॉरी टू एक्स ये तो प्लस का तीन है ना सॉरी प्लस का तीन है ना, प्लस का तीन ये रहा, चलो भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चलो भाई अगला क्वेश्चन को फटाफट बिना टाइम गवाए मजा आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहे कहां चला गया बताओ करेक्ट आंसर दस एक्स स्क्वार प्लस पांच एक्स प्लस वन के गुणनखंड निकालो गुणा करने पर दस आना चाहिए और जोड़े घटाए तो पांच आना चाहिए देखो सीधी सी बात है अब मुझे ये बताओ कि गुणा करने पर दस आना चाहिए और जोड़े घटाए तो प्लस के पांच आना चाहिए ऐसा कोई जोड़ा बन रहा है क्या कि भाई पांच आ जाए तीन इंटू दो करोगे तो छह हो रहे हैं तो इसलिए ये गुणनखंड संभव है ही नहीं तो हमेशा ध्यान रखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन फोर जिनका गुणनखंड संभव हो उनका उन्हीं का आपको गुणनखंड करना है चौदह का है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एट वाई क्यूब इसका गुणनखंड निकालो इसका आप सीधा निकाल सकते हो सर समय का नहीं पड़ी आपने एक्स क्यूब प्लस मैं इसको क्या लिख सकता हूं दो वाई की पावर क्यूब तो आपने एक सर समय पड़ी होगी कौन सी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है भाई मैंने लिखवा रखा है, है और हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई तो तो फिर ए का होली तो X का होली स्क् माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू वाई प्लस का बी स्क्वायर तो टू वाई का स्क्वायर तो क्या जाएगा फोर वाई स्क्वायर बस ये जहां जहां आ रहा है वहां पर देख लो तो क्या आ रहा है देखो ये होगा एक्स प्लस टू वाई एक्स स्क् माइनस टू एक्स वाई और प्लस का फोर वाई आ गया तो दो दोनों चार तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मिल रहा है आपके है ना चलेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका तो आपकी प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं चलो भाई जल्दी बताओ दो सौ सोलह एक्स क्यूब माइनस चौसठ वाई क्यूब वही है। अभी वारे अभी वाले फॉर्मूले से करने है मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ वही क्यूब वाले फॉर्मूले से करना है आपको ध्यान रखना ठीक है क्यूब वाले फॉर्मूले से करना है आपको ठीक है ये फॉर्मूला आपको लगाना है चाहो तो आप कॉमन लेकर भी कर सकते हो फिर ये देखो यही यही वाला फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी का यहाँ पर क्यूब दे रखा है और माइनस आप दो का क्यूब कर देना और वही मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया उसी से इसको करना है और इसका करेक्ट आंसर आएगा, आएगा आपके ऑप्शन सेकंड निकाल लेना आंसर ठीक है फॉर्मूला यही लगाना है आपको चलो अगला क्वेश्चन आंसर क्या होगा एक्स प्लस वाई बराबर चार है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस बारह एक्स वाई माइनस चौसठ का मान कितना होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताओ भाई फटाफट जल्दी बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसका अब इस पूरी समीकरण को सरल करना पड़ेगा तब आपके करेक्ट आंसर आएगा ठीक है इस पूरी समीकरण को सरल करना पड़ेगा चलो ये क्वेश्चन अभी बाद में बताते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ेगा तब तक तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स माइनस का एक गुणनखंड है इसका निकाल लो देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है एक तो आप तो सीधा निकाल सकते हो कैसे के भाई गुणनखंड है तो बिल्कुल आप मान रख लो जैसे कि मैं x बराबर रखता हूँ पहले तीन तो तीन रखोगे क्या आएगा माइनस तीन का, का होल स्क्वायर और प्लस फाइव इंटू या माइनस तीन नहीं ये प्लस का तीन है प्लस का तीन आ रहा है ना फिर तीन का होल स्क्वायर फिर माइनस के अठारह तो ये मान रखो आप कितना क्या आ रहा है तो ये आ जाएगा आपके तीन 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 तेरह नौ नमती सत्ताईस प्लस ये आ गया तीन तेरह नौ नौ पंचायत पैंतालीस पैंतालीस माइनस अठारह तो मतलब इनका जो इनका जो योग या अंतर है वो क्या आना चाहिए शून्य आना चाहिए तो परंतु तो यहाँ पर शून्य नहीं आ रहा अब एक्स माइनस तीन रख दिया अब रखो आप ये x बराबर ले लो बराबर क्या जाएगा माइनस का तीन माइनस का तीन रखो तो क्या आ जाएगा माइनस के सत्ताईस आ जाएगा और फिर इधर क्या आ जाएगा प्लस के पैंतालीस और माइनस के अठारह और 18 और 27 को जोड़ो कितना आएगा? 15, पंद्रह पैंतालीस सेकंड के अनुसार आ, मतलब तो तो आ, आ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन ये रहा है आपके सामने तो बताओ बीजे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दो अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छे आने लग गए हैं जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इसका एक्स माइनस वन बहुपद थ्री एक्स सिक्स का एक गुणनखंड हो तो का मान होगा सीधी सी बात है अगर ये बहुपद है और ये अगर एक गुणनखंड है तो गुणनखंड में आपको पता है ऐसे कोष्ठक के अंदर एक, इस प्रकार गुणनखंड चलते हैं तो हम इसको जीरो के बराबर लेते हैं तो इसको जीरो के बराबर लो x एक बराबर क्या जीरो तो x बराबर क्या एक तो हमें किसका मान निकालना है ए का मान निकालना है रखो इसके अंदर तो क्या हो जाएगा तीन इंटू एक का होली स्क्तर प्लस ए इन इंटू ए का होल स्क्वायर तीन और प्लस आपके ए और प्लस के कितने ये छ तो और छीन कितने हो गए नौ तो ए बराबर माइनस का नौ हो जाएगा तो माइनस का नौ कहांर ऑप्शन फोर होगा ऐसे निकालना है ना जगह एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड है इसका निकालो। गुणा करने पर एक आना चाहिए जोड़ा घटाए तो माइनस के दो आना चाहिए ऐसा कोई है तो निकालो। और सीधी सी बात है अगर हम इसको ऑप्शन से कर सकते जैसे एक्स माइनस एक है तो मैं एक्स बराबर कितना जाएगा? एक अगर इसका मान जीरो आता है तो ये गुणनखंड सही होगा अगर नहीं आता तो गुणनखंड सही नहीं एक रखो इसको तो एक माइनस दो प्लस वन तो दो प्लस दो बराबर जीरो तो बिल्कुल क्या आ रहा है एक आ रहा है तो करेक्ट आंसर पहले ही हो गया तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना तो ये आप ध्यान रखें चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लो भाई अगला क्वेश्चन यदि व्यंजक पी वाई बराबर वाई की पावर फोर को y माइनस एक से भाग दिया जाए तो सेंस क्या रहेगा लो भाई भाग वाले क्वेश्चन आ गए भाग वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया थे सेंस बताना लो भाई इधर निकाल देते हैं तो y माइनस वन से आपको भाग देना है किसमें y की पावर फोर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस का वन लो भाई देखो यहाँ पर फोर आनी चाहिए तो इसको किससे गुणा करें वाई की पावर थ्री से गुणा करेंगे तो फोर आ जाएगा तो फोर फिर माइनस का वाई क्यूब है ना वाई क्यूब बचेगा तो लो सा ये घटाना पर ये प्लस हो गया ये कट गया तो मैं पहले प्लस को रोक देता हूँ तो वाई क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस का टू वाई प्लस का वन यहाँ पर सेंसफुल होगा करना है ना लो तो भाई अब किससे गुणा करें प्लस के वाई स्क्वायर से क्या वाई क्यूब और माइनस का वाई स्क्वायर ये बचेगा ना चलो भाई चलते हैं काट दो माइनस प्लस कट गया तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस तो आपके बच्चे माइनस के दो वाई स्क्वायर प्लस का दो वाई और प्लस का एक अब क्या करोगे का टू वाई से गुणा करेंगे क्या जाएगा माइनस का टू वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टू वाई और प्लस का एक तो बट्टा माइनस ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो ये आपके

जो बाईसवा क्वेश्चन है ये आपको करना है बाईसवा क्वेश्चन है ना ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड आएगा इसमें चलो अगला क्वेश्चन है इसमें वही आपको भाग देकर x प्लस दस एक्स माइनस पच्चीस में 5 का भाग देने पर भागपल भाजक ये आपको ज्ञात करना है आप ज्ञात कर लोगे है ना चलेगा ठीक है अरे भाज्य बराबर क्या होता है भाजक भागफल ये होता है ना तो आपको यहाँ पर क्या करना पांच का भाग देने पर ना तो यहाँ पर पांच का भाग दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसको किससे गुणा करे यहाँ पर दस एक्स आ जाए तो मैं पांच को दो एक्स से गुणा करूँ तो ये लो दो एक्स से गुणा किया तो कितना गया दस एक्स कट गया आगे माइनस के पच्चीस थे तो माइनस के पच्चीस नीचे आ गए माइनस के पच्चीस बचे तो अब इसको किससे करोगे माइनस पांच से गुणा करो? करो ठीक है माइनस पांच से गुणा करोगे माइनस पच्चीस आगे कैंसिल तो कट गया जीरो बस तो क्या टू एक्स माइनस फाइव आ रहा है तो क्या है भागपुल गो एक्स माइनस फाइव करेक्ट आंसर तो ऑप्शन यही रहेगा सीधी सी बात है ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा था इस वो चलो भाई और अब अगला क्वेश्चन आपको भाग देना है इसका भी करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आएगा करेक्ट आंसर आएगा एक्स वाई ये आपको खुद को करना है ठीक है और जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ और वाई माइनस फोर में तेरा एक्स वाई माइनस फोर का भाग दो चलो भाग देने पर सेंस याद करना तो भाग दो इसको पहले गुणा कर लेता हूँ अंदर तो क्या जाएगा तेरा एक्स वाई और माइनस का कहता जाएगा चार एक पांच तेरह सौ बावन एक्स करो अब इसको भी अंदर गुणा करो आपस में गुणा कर दो और क्या ठीक है या आप डायरेक्ट डायरेक्ट अरे साइड भाग दे दो इतनी जनजेट नहीं हो रही है छाईस एक्स वाई और एक्स प्लस फाइव और वाई माइनस फोर है मैं भाग दे देता हूँ तेरा एक्स और वाई माइनस फोर वाई माइनस वाई माइनस फोर से क्या कट गया और ये एक्स ये एक्स गया दो चाइस तो क्या आ जाएगा दो एक्स एक्स प्लस फाइव कहाँ आ रहा है ठीक है ये नीचे एक्स था कट एक्स एक्स गया वाई। तो ऑप्शन दो वाई। दो वाई, सेकेंड करेक्ट आंसर है बस सीधा सा आंसर है तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं तो आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार अगली प्रश्न हम लेंगे समीकरण है ना अगली प्रश्नावली आपके कौन सी होगी भाई मैं आपको पहला डिटेल से समझा देता हूँ वो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आपको करना है भाई ऐसे नहीं आप करो नहीं वो क्वेश्चन आपको करना है जो क्वेश्चन मैंने दिए है कि भाई आपको करना है तो वो आप ही को करना है ना हम कल शुरुआत करेंगे हम समीकरण ठीक है समीकरण को सरल करने के तरीके ठीक है तो वो कल हम करने वाले इक्वेशन करने वाले हैं चलेगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तय दिल से शुक्रिया धन्यवाद